मास्टरमाइंड बाबा पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारा चैप्टर नंबर 4, जो फर्स्ट बुक का 4 चैप्टर है। नाम है विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास। इसमें हम मेन जैन और बौद्ध साहित्य को पढ़ने वाले हैं कि जैन और बौद्ध साहित्य का हमारे भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हमें स्तूप जानना होगा। स्तूप क्या है? स्तूप बौद्ध धर्म का, जैसे होता है ना हमारे में मंदिर होता है हिंदू में, मुस्लिम में मस्जिद होती है ना, ऐसे जो बौद्ध होते हैं, बौद्ध के जो पवित्र स्थल माने जाते हैं उसे स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप। अब स्तूप का अर्थ क्या होता है? देखो, चलो कोई नहीं, अब चुप हो जाओ। तो बौद्ध का पवित्र स्थल किसे माने जाता है? स्तूप को। स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है टीला। यह पवित्र बौद्ध स्थल है और इसमें मतलब जो स्तूप बनाए गए ना, स्तूप के नीचे जितने भी बौद्ध से रिलेटेड अवशेष मिले हैं उन्हें दफना दिया गया। और ये कुछ अर्ध गोलाकार होता है, कुछ ऐसे आकार का, ठीक है। और इन्हें बनवाने के लिए शासकों, व्यापारियों और शिल्पकारियों ने क्या किया? दान दिया। और ये बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण हुआ। एक क्वेश्चन आता है, सांची का स्तूप कहाँ पर है और उसकी कुछ विशेषताएं लिखिए। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सांची है, वहीं पर सांची का स्तूप स्थित है। और उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इसकी पहली विशेषता यह है कि उसका जो गुंबद है वो कैसा है? अर्ध गोलाकार। मैंने पहले बताया ना कि जो स्तूप होते हैं वो अर्ध गोलाकार बनते हैं। अब सेकंड विशेषता क्या है कि चारों ओर परिक्रमा करने का रास्ता है, गोल गोल रानी, है ना, यानी चारों ओर घूम घूम कर उसकी परिक्रमा करना। जैसे कि आप वृंदावन जाते हो, वहां पर भी परिक्रमा का होता है ना रास्ता, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज है, पत्थरों की एक बड़ी बाढ़ से घिरा हुआ, यानी ये ना पत्थरों की प्राकृतिक बाढ़ से घिरा हुआ है। जैसे होता है ना, ज्यादातर जो पवित्र स्थल होते हैं ना वो एक बाढ़ प्राकृतिक रूप से बन जाती है उनके चारों ओर, ऐसी ही एक बाढ़ बनी हुई है, ठीक है, जैसे पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं आपस में, क्लियर। अब नेक्स्ट है तोरण द्वार। तोरण द्वार सबसे मेन है इसका, जो तोरण द्वार है ना इसका कलाकृतियों से सजा हुआ है और बहुत प्यारा तोरण द्वार है। कभी मौका मिले तो लाइफ में जाकर देख कर आना सांची का स्तूप, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि सांची का स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया। अच्छा, दो जगह के मिले थे, एक अमरावती के और एक सांची के। अब मैं बताऊंगा कि अमरावती के नष्ट क्यों हो गए और ये क्यों बच गए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया, यानी भोपाल की बेगमों ने क्या क्या काम किए जिससे कि सांची का स्तूप बचा रहा। तो सबसे पहला सुल्तान जहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी थी नूर जहां बेगम, उन्होंने उसके रखरखाव के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया। अब फ्रांस के, अच्छा अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज हमारे देश की काफी सारी चीजें लूट कर ले गए थे, वो इसका तोरण द्वार भी ले जाना चाहते थे, लेकिन हमारी जो सुल्तान जहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी नूर जहां बेगम थी ना, ये बहुत तेज थी। इन्होंने क्या किया? पीओपी की प्रतिकृति बना के, प्रतिकृति समझते हो ना, ब्लू प्रिंट यानी डिट्टो, वैसी प्रतिकृति बनाकर उन्होंने क्या किया? दे दिया, है ना, जिससे कि उन्हें संतुष्टि मिली और जो असली तोरण द्वार था वो हमारे इंडिया में ही रह गया। नेक्स्ट चीज है, उन्होंने संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए भी काफी ज्यादा अनुदान या योगदान दिया। और उससे नेक्स्ट चीज है, जॉन मार्शल ने पुस्तकें लिखी थी स्तूप पर, उसके प्रकाशन के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा धन दिया, क्लियर। ये सब टॉपिक्स, पहला टॉपिक क्या था इसमें? स्तूप का, फिर क्या था उसकी विशेषताएं, और तीसरा क्वेश्चन क्या था इसमें? स्तूप के संरक्षण के लिए भोपाल की बेगमों द्वारा दिया गया योगदान। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत मेन है आपके। अब हमें पढ़ना है कि गौतम बुद्ध के बारे में, पूरा बौद्ध धर्म हमें पढ़ना है, ये रहा हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं, जिससे कि एक सिद्धार्थ नाम का बच्चा गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गया। क्या उसके जीवन में ऐसी घटनाएं सामने आई, तो समझना शुरू करो। सबसे पहले ये याद रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और वो शाक्य कबीले के एक राजा के पुत्र थे। अब राजा महाराजा के पुत्र थे, उनके पिताजी ने कभी उन्हें, कहते हैं ना, कालीन से नीचे पैर नहीं रखने दिया। सॉरी, कालीन से नीचे पैर ना रखने देने का मतलब क्या है कि उन्हें कभी लाल चादर से बाहर नहीं जाने दिया, उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। फिर एक दिन एक घटना होती है कि वो अपने जो रथ सारथी होते हैं ना, उन्हें मना लेते हैं किस चीज के लिए, बाहर की दुनिया को देखने के लिए, यानी उन्हें बोलते हैं कि मुझे बाहर ले चलो, थोड़ा सा घुमाकर ले आओ। फिर जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर वो दुनिया में देखते हैं कुछ चार चीजें। पहले
एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत आदमी और एक सन्यासी। जब वो ये चीज देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि संसार में शरीर का अंत या शरीर का क्षय तय है, या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कभी खत्म नहीं होगा या जिसका शरीर हमेशा के लिए दुनिया में बना रहेगा। ये चीज समझ आ गई किसे? गौतम बुद्ध को। जब उन्होंने ये चीज देखी, और एक उन्होंने भिक्षु को देखा, जब उन्होंने एक भिक्षु देखा तो भिक्षु की लाइफ काफी अच्छी लगी उन्हें। क्या? एकदम सिंपल सी लाइफ, ना कोई टेंशन, ना कुछ, ना बीमारी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करने का फैसला किया, जिस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया तो गृह त्याग करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कई ऐसी ऐसी सिचुएशंस का सामना किया जिससे एकदम वो निकट मृत्यु के पहुंच गए। जब वो निकट पहुंच गए एकदम मृत्यु के, है ना, फिर एंड में, अंत में उन्होंने इतनी मेहनत से ज्ञान प्राप्त किया और वो बुद्ध या परबुद्ध कहलाए। क्लियर हुआ? उनकी स्टोरी एक छोटी थी। अब गौतम बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, यानी जो बौद्ध धर्म है उसके सिद्धांत क्या थे? तो उन्होंने एक कुछ सिद्धांत दिए थे जो मैं बताता हूँ। सबसे पहला मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में उन्होंने क्या बताया, चार बिंदु बताए। वो चार बिंदु क्या थे? पहला, संसार दुखों का घर है। हर कोई जानता है यार, संसार दुखों का घर है ना। आज की लाइफ में तो खास करके आप सब समझ सकते होगे कि किसी के भी घर में देख लो यार, दुख तो जरूर होते ही होते हैं। सेकंड चीज उन्हें समझ आई, अच्छा हमारे दुखों का कारण क्या होता है, लालच। क्या होता है कि हम चाहते हैं ये भी पालें, वो भी पालें, हमारे घर के पास ऑडी खड़ी हो, है ना, बड़ा सा बंगला हो। उस लालच में हम क्या होता है, फंसते जाते हैं, धीरे धीरे कर्जा लेते हैं, और वो कर्जा ही हमारे दुखों का क्या बनने लगता है, धीरे धीरे कारण बनने लगता है। उदाहरण समझ आ रहा है? फिर थर्ड चीज है, उन इच्छाओं को रोक कर हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन कर देंगे तो हम उन दुखों से दूर हो जाएंगे। और इच्छाओं का दमन कैसे कर सकते हैं, हम सच्चाई के मार्ग से। सच्चाई के मार्ग से मतलब क्या है, अगर देखो हम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई मेरी बस की नहीं है ऑडी कार खरीदना, तो मैं दुखों से दूर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कर्जा लूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता और किसी को दिखावे के लिए ऑडी कार खरीद लाता हूँ, जितनी सैलरी आ रही है उतनी तो मैं किस्त भर रहा हूँ, खाऊं पीऊँ क्या, दुख तो होंगे ही होंगे। क्लियर हुई बात? तो हमें सच्चाई को जान लिया जिस दिन, उस दिन हम अपने दुखों से दूर हो जाएंगे। सेकेंड चीज उन्होंने क्या बताई है, हम ये मध्य मार्ग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सच्चाई के मार्ग द्वारा। कैसे? सच्चाई के मार्ग द्वारा। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हम मध्यम मार्ग को प्राप्त कर लेंगे और हम अपने जीवन से दुखों को दूर करने में सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट चीज उन्होंने बताई है, निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है कि जीवन ये दुखों का घर है ना, इससे अलग हो जाना, यानी इससे दूर हो जाना, सन्यासी वाला जीवन जीना। नेक्स्ट चीज है कर्म सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने कहा है कि कर्म पर बल दो, फल अवश्य मिलेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा काम करते रहो, जिंदगी में फ्री मत बैठो। अगली चीज है ईश्वर में विश्वास। उनका मानना था हमें ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, ना कि इन दुनिया की लालसाओं में या इस दुनिया के मोह में ना फंसकर हमें किससे प्रेम करना चाहिए, किस में विश्वास करना चाहिए, ईश्वर में। क्लियर? अगली चीज है, वो जाति प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका मानना था कि जो जाति प्रथा है वो क्या है, बहुत गलत है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक समान है, कोई ऊंची जाति का नहीं है, कोई नीची जाति का नहीं है। अगली चीज है, उन्होंने नैतिकता पर बल दिया। नैतिकता पर बल का मतलब क्या है कि अच्छे कार्यों को करो, ज्यादा से ज्यादा नैतिक कार्य करो। क्लियर उनके सिद्धांत? और आपको बौद्ध की घटनाएं भी समझ आ गई होंगी। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। अब हमें पढ़नी है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सुत्पिटक में लिखा गया है। किसमें? सुत्पिटक में। अब नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बोली है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुनिया क्षणिक है। क्षणिक का मतलब क्या है? दुनिया स्थिर नहीं है। क्षणिक का मतलब यह है कि दुनिया एक ऐसी चीज है जो क्षण क्षण में बदल रही है, है ना। देखा है ना लोगों को क्षण क्षण में बदलते हैं ना, कैसे एकदम अचानक से कुछ बोल रहे होते हैं फिर कुछ बोलने लगते हैं। तो यही चीज बौद्ध धर्म कहना चाहता है कि दुनिया बदलती रहती है। बदलती रहने का मतलब है कि आज हम अमीर हैं, हो सकता है कल हम गरीब हो,
आज हम गरीब हैं, हो सकता है कल हम अमीरों, कोई ठिकाना नहीं है। बुद्ध ने सामाजिक दुनिया को दैवीय उत्पत्ति के बजाय मनुष्य के निर्माण बताया, यानी बौद्ध धर्म बताता है कि जो हमारी दुनिया है वो दैवीय उत्पत्ति नहीं है, दैवीय उत्पत्ति के बदले क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसलिए राजाओं को अपनी शक्ति पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजाओं को, शासकों को हमने ही बनाया है। क्लियर? अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बात है हमारी, बुद्ध ने पुनर्जन्म के चक्र से बचने और आत्म प्राप्ति करने के लिए व्यक्तिगत और धार्मिक कार्यवाही पर बल दिया। उनका मानना था कि हमें एक दुनिया के जंजाल से फंसने के लिए व्यक्तिगत और धार्मिक कार्यवाही करनी चाहिए। अब क्या कारण रहे इतना अच्छा फूल फल रहा था धर्म, क्या कारण है कि वो धीरे धीरे कम होता चला गया। पतन का मतलब यहाँ पर है कम होना, खत्म होना कतई ही नहीं है, ठीक है, कम होना। तो बौद्ध धर्म के कम होने के कारण क्या थे? तो पहला कारण था हिंदू धर्म में सुधार। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हिंदू धर्म में सुधार होने लगा। अब कुछ लोगों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों से परेशान होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। जब ब्राह्मणों को यह एहसास हुआ कि भाई हमारे धर्म में कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियां हैं जिसकी वजह से लोग धर्म को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सुधार किए, जिसकी वजह से जिन्होंने पहले बौद्ध धर्म अपनाया था वो दोबारा हिंदू धर्म में आने लगे। नेक्स्ट चीज है राज्य संरक्षण का अंत। राज्य संरक्षण, जो हमारे अशोक साम्राज्य, वो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक थे, वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देते रहे। अब जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो इन्हें संरक्षण मिलना भी बंद हो गया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में विभाजन। बौद्ध धर्म आगे जाके दो भागों में बढ़ गया। कितने? दो, महायान और हीनयान। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज है मठों का वैभव और हुणों का आक्रमण। मठों पर वैभव और हुणों का आक्रमण क्या हुआ? जब मठों में बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित होगी ना, यानी धीरे धीरे धनी होते गए मठ, तो बार बार क्या किया, हुणों और वैभव ने आक्रमण करके वहां की संपत्ति लूट ली। और नेक्स्ट पॉइंट है मठों का द्विलिंगी बनना। पहले जो मठ होते थे ना वो एक लिंगी थे, यानी या तो वहां पर स्त्री रहेंगे या पुरुष रहेंगे, तो वो मठों में रहने वाले लोग काफी चरित्रवान थे। लेकिन जैसे जैसे मठ में स्त्री और पुरुष एक साथ रहने लगे तो वो धीरे धीरे फिर से एक सांसारिक जीवन बनने लगा, है ना, जिस वजह से कई लोगों ने बौद्ध धर्म का त्याग किया। क्लियर? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? इसमें देखो तीर्थंकर होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे वो 24वें थे, उनका नाम था महावीर। जैन धर्म में महावीर की सबसे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। अब जैन धर्म के तीन महत्वपूर्ण विचार क्या थे, किस चीज के बल पर जैन धर्म चल रहा था? तो उनका पहला विचार तो महत्वपूर्ण ये था कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यानी पूरी दुनिया जितने भी है हर एक चीज में जान है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, हर एक चीज में जान है। और जीवों के प्रति अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि उन्हें शारीरिक, जैन धर्म तो यहां तक मानना था शारीरिक क्या, उन्हें हृदय रूप से भी कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, यानी उन्हें कोई दिल से भी परेशानी हो ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए, यानी शारीरिक या मानसिक कोई भी प्रॉब्लम हमारी वजह से किसी को नहीं होनी चाहिए। और थर्ड चीज है पुनर्जन्म का चक्र कर्म पर आधारित, यानी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। अब प्रसिद्ध होने के कारण, इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ उसके क्या कारण थे? तो पहला तो था विहारों में निवास करना, मतलब ये सांसारिक दुनिया से अलग रहते थे, है ना। नेक्स्ट हो गया सभी भाषाओं में ज्ञान, यानी जहां पर जाते थे जिस एरिया में जाते थे उस एरिए की भाषा में वो ज्ञान देते थे। और नेक्स्ट है सभी धर्मों का आदर, यानी वो सभी धर्मों का आदर करते थे। अब नेक्स्ट आते हैं जैन धर्म का भारत पर प्रभाव, यानी जैन धर्म का भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिला। तो सबसे पहला सभी धर्मों में अहिंसा की नीति, तुम देख सकते हो कि भारत के सभी धर्मों में अहिंसा की नीति का पालन होता है। गांधी जी पर विशेष प्रभाव, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी ने कहा था ना, तो उन पर ये जैन धर्म का ही एक इफेक्ट था। अगला अनेक कुरीतियों पर विजय, यानी काफी सारी कुरीतियां, जैसे कि क्या हो गया आखेट हो गया, आखेट मतलब शिकार, है ना, सती प्रथा हो गया, ऐसी कई कुरीतियां थी जिस पर हमने विजय हासिल कर ली। अब नेक्स्ट है सरल जीवन और शाकाहार अपनाना, यानी हमने एक सरल जीवन को
अपनाया और ज्यादा से ज्यादा शाकाहार पर बल दिया, यानी मांसाहारी चीजों को छोड़ा, मांस वगैरह खाना छोड़ दिया काफी लोगों ने, क्लियर। अब और नेक्स्ट पॉइंट और है पंच महावर। पंच महावर जो जैन धर्म को अपनाता है उसे पांच चीजें माननी पड़ती हैं, जो काफी अच्छी है किसी भी धर्म के लिए, जैसे कि क्या, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया, हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कल का वेट जरूर करना, कल आपके लिए पूरी जो थर्ड बुक है आपकी यानी मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी वन शॉट में क्लियर करूँगा।